अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं नाज फिर से हाजिर हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। कुनाफा। ईद आ रही है और ईद में सेवैया ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता ना। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। एक छोटा बॉल पिसी हुई चीनी, दूध चाहिए हमें, मिल्क और मिल्क पाउडर आता है मार्केट में वो ले लीजिए, बटर ले लीजिए, मिल्क मेड ले लीजिए और रोज़ की पंखुड़ी, आप चाहे तो रोज़ फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। अला रूट मैंने लिया है यहाँ पे 2 चम्मच। यहाँ पे मैंने बादाम को कट कर लिया है, पिस्ता को भी मैंने कट करके रखा है और यहाँ पे छोटी इलायची को मैंने क्रश कर लिया है। तो हम क्या करेंगे, बटर लेंगे, बटर पैन में मैंने उसको थोड़ा सा कलर डाला है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं बट कलर बहुत अच्छा आता है इससे। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा छोटी इलायची पाउडर और इसमें थोड़ा सा हल्का सा मीडियम लो फ्लेम पे ही मैंने इसे रखा है अभी। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे सेवैया, ये मार्केट में महीन सेवैया नॉर्मली मिल जाती है तो आप उसे लें और इसे क्रश कर लें हाथों से और उसके बाद आप इसे अच्छी तरह से रोस्ट कर लें। इसका कलर देखिए चेंज हो जाना चाहिए, फ्लेम बिल्कुल लो ही रखना है। अब क्या करेंगे, एक आप कंटेनर ले लें जो जिसमें आपको आपको बेस रेडी करना है, उसमें बटर लगा लें और भुंजे हुए सेवैयों को उसके ऊपर बेस को अच्छी तरह से दबा कर बना लें। तो हमारा बेस रेडी हो गया है, हम इसे रखेंगे साइड और इसके लिए बनाएंगे क्रीम। क्रीम बनाने के लिए हम एक पैन में मिल्क ऐड करेंगे, उसमें ऐड करेंगे छोटी इलायची पाउडर 1/2 स्पून और 1/2 स्पून इसमें ऐड किया है मैंने चीनी। शुगर आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। हम इसे बॉयल करने के लिए रख देंगे और इधर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा मिल्क लूँगी मैं, और मिल्क में मैं ऐड करूँगी 2 स्पून अरारोट पाउडर और 4 स्पून हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर, और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स गुठलियाँ ना रहे। और उसके बाद हम इसे मिक्सचर को बॉयल मिल्क में ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो मिल्क बॉयल हो चुका है और अब हम इसमें ऐड करेंगे जो मैंने रेडी किया था अरारोट और मिल्क पाउडर का बेस, वो हम धीरे धीरे इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और हमें पता चलेगा कि कितना थिकनेस में चाहिए हमें क्रीम, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करूँगी। इसे हमें रेगुलर ही चलाते रहना है ताकि लम्स ना पड़े और एक क्रीमी फॉर्म में हमें चाहिए, तो बेस हमारा क्रीमी फॉर्म ही हो। हम इसमें ऐड करेंगे 2 स्पून मिल्क मेल्ट और हमें फिर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, मिक्स करते जाएंगे करते जाएंगे और बस इसे मिक्स ही करते जाना है। तो ये देखिए हमारा रेडी हो गया है, तो अब हमें इतना ही चाहिए था और ये इतना ठंडा होगा तो अपने आप वो थोड़ा ठीक हो जाएगा क्रीम। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने जो बेस रखा था उसमें थोड़ा सा कोकोनट पाउडर छीट देंगे, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं पर मुझे लगा कि ये काफ़ी अच्छा टेस्ट और फ्लेवर देगा, एक थोड़ा हल्का क्रंचेस देगा और ये जो सेवैया है वो ऑटोमेटिक आप खाएंगे ना तो आप क्रंची लगेगा। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप शुगर सिरप बना लें और उस पर से सर्व करने टाइम उस शुगर सिरप को इसके ऊपर। तो मैंने ना क्रीम को उसके ऊपर बेस अच्छे मोटे लेयर में मैंने ऐड कर दिया है और बचे हुए सेवैया को मैंने फिर से उसके ऊपर अच्छी तरह से कोट कर देना है हल्के हाथों से, और अच्छी तरह से पूरा कोट हो जाना चाहिए चारों तरफ से बेसिस अच्छे हल्के हाथों से दबा कर। तो अब मैंने इसमें थोड़ा सा चीनी ऐड किया है पिसे हुए पाउडर, तो अब मैंने पिस्ता, बादाम और रोज़ की पंखुड़ी से मैंने इसे सर्व किया है, डेकोरेट किया है और ये लुक भी बहुत खूबसूरत था, टेस्ट भी बहुत खूबसूरत है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें, इस ईद पे कुछ स्पेशल हो जाए। सेवैया तो हर घर में बनती है, तो कुछ यूनिक टाइप से अगर सेवैया आप मेहमानों को सर्व करेंगे तो फिर क्या कहने, टेस्ट बहुत अच्छे है, लाजवाब, देखने में भी लुक बहुत अच्छा है। तो आप प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई करें और मेरे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक।